तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया से होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं अभी बना रहा हूँ, अभी टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं शाम के। तो आज का ब्लॉग अभी शुरू कर रहा हूँ मैं। तो आज का ब्लॉग में मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, बल्कि अपने रूम में ही ब्लॉग बनाऊँगा। जो कि खाना छाना बनाऊँगा तो वो आपको दिखाऊँगा मैं। तो आज मेरे पास आ रहा है आजू, जिसका आज पेपर था सांबा में, SSC GD का पेपर देने गए था। तो वो अभी आ रहा है, उससे मैंने उसको फ़ोन किया था। वो बोल रहा कि आ रहा हूँ मैं 10-15 मिनट में पहुँचने वाला हूँ। तो पूछते हैं उसको कि कैसा पेपर हुआ उसका। फिलहाल आज घर से आया था तो मेरे पास आया था डायरेक्ट, तो उसने लाया क्या वो गेका बार। तो अभी 2-3 दिन पहले 10 जनवरी को था शायद, तो 11 को आया था वो, कल आया था। तो आज उसका पेपर था 12 को, तो उसने लाया पुग्गा। तो वो अभी पुग्गा खाते हैं, जो कि तिल और RC कोड वगैरह का पड़ता है। तो मम्मी ने भेजा घर से, तो चलो खाते हैं पहले पुग्गा। पुग्गा खाते हैं तो उस बात को पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पता, इंग्लिश में भी नहीं पता और किसी में नहीं पता, पर ऐसे ही सिर्फ व्रत है, भुगे का व्रत हम बोलते हैं उसको। तो वो भुग्गा लाया, तो चलो भुग्गा खाते हैं। मूँगफली खाई यहाँ पर, और यहाँ पर पड़े हैं छिलके वगैरह, इनको उठाते हैं बाद में, पहले खाते हैं भुग्गा खाते हैं, उसके बाद चलते हैं। चलो भाई भुग्गा निकालते हैं। और मैंने निकाला नहीं है, सिर्फ कल लाया था तो यहाँ पर निकाल दिया, निकाल कर रख दिया था सिर्फ। चल भाई खुल जा। तो ये है पुग्गा, जो कि अलसी वगैरह डाली होती है इसमें, तेल होते हैं, गुड़ वगैरह होता है। तो अलसी की खुशबू आ रही है इसमें से, अलसी या शायद वो मूँगफली वगैरह होती है, अखरोट वगैरह डाले होते हैं इसमें। बहुत टेस्ट है यार अलसी और तिल जो है वो गर्म होते हैं, तभी चल रहा है सर्दियों का मौसम। तो जितना ज़्यादा खाया जा सकता है, ठूसा जा सकता है, अंदर ठूस लो। तो कल लोहड़ी भी है, 13 तारीख का कल। तो कल लोहड़ी को क्या स्पेशल होता है, लोहड़ी को जो बनाते हैं उसको हमारे उधर बोलते हैं त्रिचोली। तो आप कमेंट करके बताना कि आपके वहाँ क्या बोलते हैं, जिसका लोहड़ी के दिन अर्घ देते हैं। इसमें सारा माल पानी गर्म है, तिल भी गर्म है, अलसी भी, अखरोट भी, मूँगफली भी, सब कुछ गर्म है, जितना माल डाला है सब गर्म है। वैसे अभी टाइम हो रहा है 6:30 हो रहे हैं, 7:45, 6:40 हो रहे हैं। तो अभी आजू अब आने वाला है, चलो कुंडी खोल देते हैं पहले। अपन सो जाते हैं इधर, देखते कब तक आता है। आजू आ गया नीचे, आवाज आ रही है, तो चलो घुमाते हैं, कैमरा घुमा देते हैं उसकी तरफ, सरप्राइज देते हैं उसको, आते ही कैमरा हार्ड मिलेगा उसको। आओ सर आओ आओ। क्या बोलेगा? वीडियो ना नहीं है? नहीं क्या फोटो? हाँ आज माय डैड है यार, तेरे खड़ा जाती ले क्या डर दो इस साइड की, वही साइड की स्क्रीनशॉट लेना है या फोटो लेना? फोटो ना। चलो भाई आजू भी आ गया, पहले इसको करने थे रेस्ट, फिर पूछते हैं कैसा हुआ पेपर, क्या कार्रवाई हुई। पानी छड़ी पीना तो तू आंदा टाइप है ना एक कोई बड़े होना तो भी 4:10 ठीक है दिन में लेकिन लेट गए पेपर के 60 मिनट लेकिन और ना बड़ी बड़ी मेरी फेस लगा दे चेकिंग आप बकरी के दियो एक कुड़ी है मारे कोके का कीड़े दे नाक नो मारे ज्वेलरी जुली सब तो रेडी है नी तेरी दवाई मेरी एक बेल्ट है बेल्ट ही फेवरेट। आज खाना बनाएंगे दोनों, मैं भी बनाऊंगा और आई भी बनाएगा, दोनों बनाएंगे खाना, ठीक है नहीं? ठीक है। क्या बनाना है? क्या सब्जी है? मैं की बनानी राजमा, राजमा हैं मैं की ना फुलका चाहिए मैं की फुलका हां राजमा से दो बड़े बनानी दादा बनानी ये पांच और चाहिए देवा पांच और बनाने का काम जो कर राजमा दा चोला चल दा राजमा सेड़ दे बड़े राजमा चाल बनने पत राजमा पत बनाते हैं खाते हैं ठीक बना दी वीडियो बैक कैमरा वीडियो बना दी हूं बराबर कैमरा चलो बनाने हैं पत कन्ना राजमा मेरी है ना मेरी ये यहाँ देखो पहले कितना खलारा डाला है हमने पूरा खलारा पड़ा है यहाँ पर कपड़े ऐसे डाले हैं पजामा बना पजामा मेरा अपना भी आपको दिख लाया अगर बारह घंटा वो अच्छा
बिल्कुल कैंट लग रही है, बिल्कुल फिट एंड फाइन डबल। बनाते हैं सुबह के राजमा मैंने सेड़े हैं, तो सिर्फ दो सीटियाँ लगानी है और पुराना चावल खाकर फिर सोते हैं। थोड़ा बहुत कुछ देखते हैं, किताबें वतबे देखनी है, तो किताबों देखने किताबों को देखने की तो हमने कसम उठा ली है, किताबें तो नहीं देखेंगे, पर चलो देखते हैं जो कुछ होता है। फिलहाल बनाते हैं खाना, तो खाना खाने के बाद फिर देखते हैं आगे का क्या कुछ होता है। अगर रफ करना होगा रफ उगे दे अपनी दी उन्हें कितने निकाले? 3 हो गए 3 एकदम बड़ी। आज आपको दिखाएंगे दाल कैसे बनाते हैं, राजमा कैसे बनाते हैं, देसी दाल। कल्ली कल्ली गल चुकी याद रखे बस कर। पता नहीं, बस कर। दाल मां त्रै बंदे मिकी पता नहीं लगर चलना त्रै बंदे मिकी पता नहीं लगर चलना मेरा कन्फर्म आ चुकी। मकान मालिक है वो इसमें जरा फर्क दिखता है दाल बड़ी घनी होगी पानी पाना पा रहा होगा ओदे पाया कुकरे पहले बड़े ज्यादा ना त्रै ही रज रजी खाए की बनानी है दाल बनी है पढ़ चावल बनाने चावल दो कर ला दिए मैंने और आज मेरा कैमरा मैन मेरी पूरी हेल्प कर रहा है खाना बनाने में दाल बनाने में और इसमें चला दिए चावल चावल को लगेंगे 10 मिनट सिर्फ 10 मिनट लगेंगे कि अपना आइडिया होता है। और ये देखो पानी दाल का पानी आकर टक्कर गया हो गया तो चलो बढ़ाते हैं 10 मिनट के बाद भात खाते हैं खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। और लोहड़ी की मुबारक आप सबको क्योंकि ये ब्लॉग आएगा कल लोहड़ी वाले दिन तो लोहड़ी की मुबारक आप सबको। कल तो ब्लॉग पता नहीं बनाऊंगा मैं नहीं बनाऊंगा मुझे तो उम्मीद नहीं है कि बनाऊंगा मैं तो आज ही आपको मुबारकबाद दे देता हूँ सबको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। ऐसे एक तो लाइट भी नहीं है हमारे यहाँ कठुआ में पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है लाइट भी नहीं आ रही है तो लाइट मतलब कोई टाइम टेबल नहीं है जब मन करे आते छोड़ते हैं जब मन करे चली जाती है तो फोन की लाइट से जो है खाना बना रहे हैं हम फोन की लाइट से ही खाएंगे तो पता नहीं कब तक आती है जब तक आती है तब तक फोन पे ही काम चलाते हैं तो खाना छाना खाते हैं फिर तो उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे जब खाना बनता है तो चलो भैया अब खाते हैं खाना बना दिया इधर ला दिया चावल बना दिए राजमा बना दिए हम खाते हैं दो दो किलो भात
दो किलो चावल और ये देसी राजमा अपने घर के रणदीप लाया था। रणदीप तो आप बताना कमेंट करके कि देसी राजमा कैसे बने हैं घर के, जो कि हमारे अपने घर के हैं। हरदीप लाया था, मैं तो बहुत दिनों से घर गया नहीं, हरदीप लाया था तो ये वो बनाए हैं अभी, तो कोई 2 किलो लाए होंगे उसने, तो ये पहली दाल बनाई है आज। तो चलो खाना खाते हैं अभी, तो उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये कर दिया हमने राजमा का कड़ाई पूरा खाली कर दिया, और चावल वाला कुकर भी पूरा खाली कर दिया। सिर्फ दो बंदे थे और दो बंदों ने पूरी कड़ाई जो थी दाल की भर के खा ली, और इतना टेस्ट बने थे। तो मैं और राजू सिर्फ दो ही बंदे थे, दो ही बंदों ने हमने जो है वो पूरा खाना खत्म कर दिया। इतने ज़्यादा चावल बनाए थे और राजमा बनाए थे, तो पेट भर गया। तो करते हैं बर्तन साफ और खाना खाते हैं, और राजू से पूछते हैं कि खाना कैसा बना। राजू खाना कैसा बना था? एकदम बढ़िया बढ़िया बना था। बढ़िया बना। राजमा कैसे थे? राजमा बहुत अच्छे थे। आपके घर में भी हैं? नहीं, हमारे घर में नहीं है। नहीं है और कोई दाल करके? नहीं है, बड़ा अच्छे थे, बड़े थे, मजा आ गया खाने में, पेट इतना बड़ा हो गया। थैंक यू सो मच। चलो भाई खाना छाना खा लिया, तो बर्तन करता हूँ मैं साफ। तो आज की इस वीडियो को रखता हूँ ये तक। आप कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आपके साथ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ट्रक भर के। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बड़े हाथ से करना या थोड़े से करना, पर कर जरूर देना।